तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम यहां पर बात करने वाले हैं गैलेक्सी F41 के बारे में। तो ये यहां पर मेरी तीसरी या दूसरी वीडियो है इस फ़ोन के ऊपर। तो भाई यार मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये मेरे चैनल पर आपको लास्ट वीडियो देखने को मिलेगी कैमरा टेस्ट की। अगर दोस्तों कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको यहाँ पर, हो सकता है कि एक और नई वीडियो भी आपको यहाँ पर लेकर आ जाऊँ। तो भाई फटाफट से बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो भाई सिर्फ कैमरा के ऊपर बात करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल के तीन कैमरास देखने को मिलते हैं। और भाई 32 मेगापिक्सल की यहाँ पर सेल्फी देखने को आपको मिल जाती है। तो भाई बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको 4K वीडियोस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, EIS देखने को मिलता है। फ्रंट में दोस्तों आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ तक कि 4K भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर जो फर्स्ट सैंपल है वो आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी सैंपल आज लिए हैं लगभग 64 मेगापिक्सल में लिए हैं। तो भाई 64 मेगापिक्सल की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, हाथ का कलर यहाँ पर बहुत अच्छे से निकल कर आया है। तो भाई यहाँ पर अगर हमें डायनामिक रेंज की बात करूँ, और ये भी 64 मेगापिक्सल में ही मैंने शॉट लिया है, तो डायनामिक रेंज इस फ़ोन की बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती है। मैं आपको यहाँ पर जब जूम करके दिखाऊंगा दोस्तों ये शॉट, तो आप यहाँ पर पागल ही हो जाओगे। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी थोड़ा सा लगभग आधे से ज़्यादा जूम कर लिया है, तो आप देख सकते हैं जो क्लियरिटी है और जो सैचुरेशन लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पर सेम देखने को मिलता है। तो भाई बहुत ज़्यादा जूम करने पर भी आपको यहाँ पर क्वालिटी बिल्कुल मतलब थोड़ी डाउन हो जाती है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंटेन है। जो कंट्रास्ट लेवल है और ब्राइटनेस लेवल है तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर नेक्स्ट सैंपल मैंने लिया है, और आप देख सकते हैं कि हाँ आपको इसमें बहुत दूर दो तीन बिल्डिंग दिख रही होगी, हम उसको यहाँ पर अभी जूम करके देखेंगे कि कितनी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर आप जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, आपको कंट्रास्ट लेवल बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंटेन दिखेगा। तो भाई थोड़ा सा और जूम करेंगे तो इससे ज़्यादा आप यहाँ पर जूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है दोस्तों वो बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं। तो मुझे यार पर्सनली बहुत बेटर लगा सैमसंग का ये कैमरा। तो भाई नॉर्मल शॉट आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, तो नॉर्मल शॉट में तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो भाई ये सैंपल भी यहाँ पर 64 मेगापिक्सल में मैंने क्लिक किया है, और डायनामिक रेंज यहाँ पर भी बहुत सही से निकल कर आई है। तो भाई बात करें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की, तो पर्सनली मुझे इस फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, आप इसे लाइव फोकस भी बोल सकते हैं सैमसंग में। तो भाई बहुत अच्छे यहाँ पर शॉट निकल कर आएंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। एजिस में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से जो कि है यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई है, तो कोई भी यहाँ पर ब्लरिशनेस या आपको कोई अदर यहाँ पर इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई पोर्ट्रेट मोड में दोस्तों यहाँ पर 10 में से 9 नंबर इस फ़ोन को मिलते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर नाइट में, तो नाइट में अगर सिंपल मोड से आप फोटो ले गए तो कुछ आपको ये देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, और अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पर नाइट मोड इनेबल कर देते हो तो कुछ राइट साइड वाली फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, हल्की सी ब्राइटनेस यहाँ पर ज़्यादा है बस। तो भाई बात करें यहाँ पर सेल्फ़ी की, जो कि आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फ़ी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो भाई मुझे जो एक यहाँ पर कमी लगी है वो है यहाँ पर दोस्तों आपकी जो स्किन टोन है वो यहाँ पर आपकी रेडिश निकल कर आती है। ये क्यों है ये मुझे भी समझ नहीं आया है, शायद से अगले अपडेट में ये यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो भाई और बाकी अगर सेल्फ़ी की डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिल जाती है, कलर आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं, सैचुरेशन लेवल, कंट्रास्ट लेवल, बाकी सब कुछ यहाँ पर आपको परफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो भाई आपको हल्का सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके की आपको सेल्फ़ी देखने को मिलती है। तो भाई आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है, और डिटेल्स में यहाँ पर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी सेल्फ़ी में भी। तो भाई यार इस वीडियो में इतना ही, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सैंपल्स मैंने और भी लिए हैं, तो आप इसे देखिए। वीडियो को दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो में दोस्तों मैंने वीडियोज़ वाले कोई भी सैंपल आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी मैं दोस्तों आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।